चुनावी बिगुल बज चुका है। अगले महीने की 10 तारीख को पहले चरण की वोटिंग के साथ चुनाव शुरू हो जाएंगे। यूपी में 7 चरणों में वोटिंग होनी है, लेकिन सियासी रैलियों और रोड शो पर 15 जनवरी तक रोक की वजह से राजनीतिक पार्टियों का चुनावी प्रचार थम गया है। सभी पार्टियां ऑनलाइन प्रचार की तैयारियों में हैं। इसी बीच एबीपी न्यूज़ ने सी वोटर के साथ यूपी चुनाव को लेकर एक बड़ा सर्वे किया है। इस सर्वे में लोगों से सीएम की पहली पसंद को लेकर सवाल किए गए। आइए जानते हैं कि यूपी की जनता ने क्या कहा है। सर्वे में जब लोगों से पूछा गया कि यूपी में सीएम के तौर पर आपकी पहली पसंद कौन है, तो लोगों ने सबसे पहले योगी आदित्यनाथ का नाम लिया। 43% लोगों ने योगी को सीएम की पहली पसंद माना। इसके बाद 34% लोगों ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का नाम लिया। इसके अलावा मायावती को 14% लोगों ने सीएम के तौर पर पहली पसंद बताया, जबकि महज 4% लोगों ने कहा कि उन्हें प्रियंका गांधी को सीएम के तौर पर देखना है। नवंबर से आज तक के सर्वे के आंकड़ों पर नजर दौड़ाने से ये पता चलता है कि योगी और अखिलेश दोनों का ही ग्राफ ऊपर चढ़ा है। दूसरी तरफ मायावती और प्रियंका की लोकप्रियता घटी है। बहरहाल आपको बता दें कि यूपी में 7 चरणों में वोटिंग होनी है। पहले चरण में 10 फरवरी को वोट डाले जाएंगे, दूसरे चरण में 14 फरवरी को मतदान होगा और चौथे चरण यानी 23 फरवरी को वोटर्स अपना मतदान करेंगे। इसके बाद 27 फरवरी को पांचवे चरण के लिए वोटिंग होगी, छठे चरण के लिए 3 मार्च और सातवां चरण के लिए 7 मार्च को वोट डाले जाएंगे और आखिर में 10 मार्च को यूपी समेत सभी राज्यों में नतीजों का ऐलान कर दिया जाएगा। टीम खबर अपडेट।